सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों को अपने यूट्यूब चैनल फार्मर अश्वनी चौधरी पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। किसान भाइयों, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत शानदार है, देखो वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो है हमारे चैनल पर ये पहली वीडियो होगी जॉन डियर 5310 CLDRDI गियर प्रो ट्रैक्टर की वीडियो है ये। और ये जो नए लेटेस्ट अब CLDRDI टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आज थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से दिखाता हूँ, जानकारी लेते हैं, क्योंकि CLDRDI की बहुत अभी कम जो है मतलब ट्रैक्टरें हैं CLDRDI के, तो लेकिन ये आज 5310 हमें देखने को मिल गई, बहुत ही अजीब और गरीब चीज़ है ये कहते हैं जिसे, तो इससे बढ़ती कुछ हो नहीं सकता। जॉन डियर 5310 CLDRDI गियर प्रो। किसान भाइयों, ये हाई लो मीडियम है या चार सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा कन्फर्म करेंगे किसान भाई से ही, क्योंकि उन सारी डिटेल उनसे लेंगे। रूटावेटर कैंक फिटा है, नया रूटावेटर है, नए ट्रैक्टर है। पहले हम अपने किसान भाई से नाम पता पूछेंगे। कैसे हो भाई? ठीक है भाई। एक बार नाम और पिताजी का नाम गांव बताओ। संजीव नाम है, पिताजी का नाम उत्तम सिंह। अच्छा। गांव दारडा। अच्छा। जिला? मुजफ्फरनगर। अच्छा। तहसील जानकर। तहसील जान। अच्छा भाई, एक बार बताओ ये सब डिटेल, आपने कब लिया था ट्रैक्टर? चार महीने। कितने का लाए आप ये? 10,30,000 में। 10,30,000। ये CLDRDI में है? CLDRDI। ये देखो किसान भाई, गियर प्रो। हाँ। भाई वाह, चलाने में कैसा लगा? चलाने में तो घी रही है। पहले कौन सा चला करो थे आप? वो था हमारे पास सोनाली का 750। अच्छा, तो उसे इसे चला के क्या लगा? इसकी चलाई आनंद आवे। उससे पहले कौन सा चलाया था? वो फिर पहले भी सोनाली का ही था 50। अच्छा अच्छा, तो जॉन डियर जैसा आपने लिया है, मन खुश हो गया आपका? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक हमारे भाई ने थोड़ा सा हमारे से पूछा था इस ट्रैक्टर के बारे में कि कैसा है भाई, ले ले नहीं ले ले, तो हमारे भाई ने हमारे से पूछा, हमने भी इनसे कहा था कि नहीं जॉन डियर ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, बातचीत हुई, इन्होंने खैर हमारी बात मानी, बड़ा अच्छा लगा। तो कितने घंटे चल गए? ये देखो डिजिटल मीटर है सारे, 471 घंटे चल रहा अभी, देख लो किसान भाइयों 471। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड और इको बता मैं ये बस चले ऐसा ही चाहे यहाँ चला लो चाहे यहाँ चला लो। अच्छा। हाँ। ये स्टैंडर्ड है, पर नु बता मैं ये अखने को ना चक्कर तो उन्होंने का इको पे। हाँ। या स्टैंडर्ड पे कोई से पे भी नहीं। अच्छा, बराबर चलता रहेगा, पावर घट जाएगी 5 बस। हाँ, इस कौन से वाले पे? इस पे। अब 5 पावर घट गई यहाँ। हाँ, यहाँ बढ़ गई, यहाँ 57 हो गई, यहाँ हो गई 52। अच्छा, एक मिनट, अब देखो कहाँ सी, यहाँ 52 है, यहाँ 52 है नीचे इको पे। हाँ। और जो ऊपर 57, यहाँ 57 भी फिर नहीं दब, बिल्कुल नहीं दबता, तो कोई से नहीं है। तो ये कैक फुटी रूटावेटर है आपकी? 8 फुट। अच्छा, 8 फुट रूटावेटर है। किसान भाई जरा देखो, डबल पीटीओ सापट में है, डबल गियर पीटीओ सापट के हैं, 540 और 540 ही देखो 540 ये चिट गलत लग रही है, 750 बना हुआ, एक जगह 550। हाँ हाँ, डबल नहीं, 540 ज़्यादा ई बना होगा तो चक्कर कम होंगे, एक तो बना होगा यहाँ से और एक बना होगा थोड़े ज़्यादा उस पर, नहीं और इनसे कम बढ़ती है। हाँ, इनसे ही कम बढ़ती है, एक को तो देने पड़ेंगे 2100 RPM, एक पर 1500 रुपये कर देगा, हम तो इसे 1800 रुपये चलाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ज़रा एक बार CLDRDI की ज़रा मैं आपको ये दिखाता हूँ आज, मैं ये सिस्टम जो होता है CLDRDI वाला, CLDRDI किसान भाइयों, ये गाड़ियों में जो सिस्टम आता है, सिस्टम आता है इंजेक्टर वाला, वो सिस्टम, वो टेक्नोलॉजी है ये। इसका देखो पंप का जो ताल्लुक आता है वो एक बहुत अलग टेक्नोलॉजी के साथ है। एक बार जरा थोड़ा सा आप ये खोल के दिखवा दो, ये देखो किसान भाइयों, बम्फर भी देखो कितना ज़बरदस्त बम्फर लगवा रखा है इन्होंने इसमें, बहुत ज़बरदस्त हैवी प्लेट के साथ, ये हैडमेड बम्फर है इनका, ये देखो। पिछले टायर 16/9/28 के इसमें किसान भाइयों, अगले 6/50/20, ये देखो टर्बो, और साथ में है इंटरकूलर लगवाया है, ये देखो तेल इसमें जाएगा। हाँ, तेल इसमें जाएगा, स्टेयरिंग का भी वैसा भी नहीं, इसमें तो जाएगा, इसमें तो जाएगा मोबिल नहीं, हाँ मोबिल ऑयल हो गया ठंडा होगा। हाँ। इसमें डीजल, एक में डीजल एक में मोबिल ऑयल, एक में डीजल एक में मोबिल ऑयल। हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो डबल है इसमें एक में डीजल। हाँ। और एक में मोबिल ऑयल। हाँ, विद इंटरकूलर है ना ये CLDRDI, ये देखो किसान भाइयों, इसका जो बिल्कुल
टेक्नोलॉजी है वो एक तरीके की, आप ये मान लो सब कुछ जो गाड़ियों में टेक्नोलॉजी आती है वही टेक्नोलॉजी CIDI की होती है। और इसमें देखो ये टर्बो लगी हुई है, 25 साल की गारंटी के साथ है। ये देखो बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ है। एक बार ज़रा वाटर बॉडी देखो कितनी धांसू है, किसी चीज़ के साथ हल्की की तो कोई समझौता करा ही नहीं जॉन डियर ने, बहुत ही शानदार लुक के साथ और सभी चीज़ें बहुत मजबूती के साथ लगाई हैं। बहुत बड़ा रेडिएटर है, ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं गरमाने का। ये देख लो बैटरी भी इन्होंने आगे दे दी ताकि ये इसमें बिल्कुल तेजाब उजाब का कोई झंझटी साइड में नहीं है, आगे कर दी। ये सुखा वो आता है रेडिएटर, इसमें साफ़ करा लो। ये देखो इस आप कितने दिन में साफ़ कराते हो? अच्छा तेल के खर्चे की बात कर जाए, एक बार जरा इसे बंद कर लो। तो तेल कितना ले लिया भाई? नहीं कुछ अंदाजा हो, जैसा आपने टंकी चलाई कुछ 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 आइडिया सा आपने लिया हो पैसे के हिसाब से? 8 फुट है। अच्छा 10 लीटर ले जा ले रहा। अच्छा जमीन कितनी काट दे सही बताइयो फिर? जमीन 10 बीघे तो लीटर का एवरेज आ रहा? वो एवरेज तो वही है लीटर का ही। ये जमीन ज़्यादा काटते हैं, देखो क्या शानदार लुक है इसका आगे से। जवाब नहीं भाई वाह, कितने शानदार एक बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ ट्रैक्टर ने की इन्होंने जो शॉप तैयार की है। और रोटावेटर की बात करें, रोटावेटर भी आपने हिलाए थे? अच्छा शक्तिमान चैंपियन है जी, सेमी चैंपियन। तो ये कितने का लाए थे आप? 1.35 का। भाई वाह 8 फुटा बढ़िया चलता है बिल्कुल। रोटावेटर इनसे अच्छे की बात करी जा है ही नहीं। हाँ देखो ये हमारे भाई भी हैं, ये देखो बहुत म्यूजिक सिस्टम भी बढ़िया लगवा रखा है। टन टन चलाए जब से लाए कोई दिक्कत रोटावेटर में? कोई अच्छा ट्रैक्टर में इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो किसान भाइयों रिमोट वाल लगी हुई है, ये देखो। और हाइड्रोलिक की जो बात करी जा सेंसिंग की, तो 3 जगह एडजस्टेबल सिस्टम दिया है इसमें। ये सबसे ऊपर है उस पर चलेगा रोटावेटर पे, फिर आप इसे कल्टीवेटर लेज़र उस पर साधे जतरे पे चला सकते हो बीच वाले उसमें। तो बहुत बढ़िया सामान लगा रखा देखो मजबूत, तो इसमें कोई करी जा। मेंटेनेंस की अगर बात करी जाए तो जॉन डियर में कोई मेंटेनेंस कुछ नहीं है? जब से आप लाए हो आप संतुष्ट हो इस ट्रैक्टर से? तेल ताल की तो बात नहीं मिल रहा, इतना खावा जमीन भी काट रहा काम करे। इस भाई पे हमारे जुताई भी बहुत है किसान भाइयों, अगर बात करी जा तो इस पे अपने गांव में सबसे ज़्यादा आसपास के गांव में भी जुताई करता है। तो एक बार आवाज़ की बात करी जाए तो मैं ज़रा अच्छा इस किसान भाइयों इसमें 4 फंक्शन है A, B, C, D। हाँ और इधर जो गेयर हैं इसमें हाई, ये देखो 1, 2, 3, तो यानी कि ये भी इसमें A, B, C और D, तो 4 गियर का सिस्टम कर दिया इसमें किसान भाइयों, 4 3 12। और ये इसमें रिवर्स वाले की बात करी जा, 1 गियर रिवर्स का हो गया। और ये जो PG से पोपी का आता है फंक्शन किसान भाइयों, इसमें ब्रेक इसके ऐसे हैं कि आप अगर ट्रैक्टर से भी खींचोगे तो शायद जॉन डियर के ब्रेक ना खींचे, ऐसा ही है ना? हाँ ब्रेक बहुत बढ़िया, ब्रेक बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने किसान भाइयों हमने भी 13 साल जॉन डियर चलाया है, तो हमें भी 13 अनुभव है 2 ट्रैक्टरों का। बड़ा अच्छा जॉन डियर चलता है, देखो हाइड्रोलिक लीवर और ये सेंसिंग जो रिमोट वाल से चलाते हैं जो भी प्लीमेंट, कितने अच्छे हुए लगाए हैं इसमें। एक बार ज़रा स्टार्ट करके देखते हैं नहीं होगा ना ब्रेक भाई वाह क्या शानदार आवाज़ है। पिकअप देखो किसान भाई और कितना जबरदस्त पिकअप है भाई वाह बहुत बढ़िया किसान भाइयों, फुल डिजिटल मीटर है और यो इसका स्टैंडर्ड और इको, ये 2 फंक्शन हैं इनके। इस पे 5 पावर कम और डीजल की एवरेज बढ़ जाता है थोड़ा सा, यहाँ पे जब बिल्कुल ओवरलोड हो जाता है उसके लिए आप इसे स्टैंडर्ड का बटन का यूज कर सकते हो, फिर ट्रैक्टर बिल्कुल नॉर्मल चलता है, कोई RPM नहीं कुछ ड्रॉप करता और गजब का लोड लेता है। देखो फ़ोन चार्जिंग के लिए सिस्टम है, इसमें फ़ोन रख सकते हैं किसान भाई। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप बताइयो।
वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करियो, शेयर करियो किसान भाइयों। आज की वीडियो स्पेशल जोंडियर CIDI के साथ है और किस दिन वीडियो आप चैनल से जुड़े रहिए, चलते भाई की इसका फुल परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा मैं। तो इसी के साथ सभी किसान भाइयों को, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।